removing blackheads, clay mask, best mask for acne, minimizing my poses, toning and the results. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बजट, और मैं हूं कंवल। दोस्तों, आप मेरी स्किन की हालत देख रहे हैं कि मेरी स्किन किस हद तक गंदी हो चुकी है, कैसे डार्क स्पॉट्स आ गए, एक्ने आ गई है और बहुत ज़्यादा ओपन पोजेज आ गए। तो चलिए इसका सलूशन निकालते हैं। स्टेप वन होगा स्टीमिंग का। नीम गर्म पानी में आप तौलिया डालेंगे और उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर रखेंगे ताकि जो भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो अच्छे से थोड़े नरम हो। उसके बाद ये पिन मिलती है बाज़ार से। आप ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने के लिए पिन मांगोगे तो आपको दुकानदार दे देंगे, एंड ये पिन लेंगे और उससे जिस जगह पे आपको ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं वो वहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे बहुत ही आराम आराम के साथ। और उसके बाद जो है आप अपना चेहरा धो भी सकते हैं या किसी वाइप की मदद से जो है अपना चेहरा अच्छे तरीके से हम साफ कर देंगे ताकि जो भी गंद कचरा निकला है वो एक जगह से साफ हो जाए। ओके जी, अब हम अप्लाई करेंगे क्ले मास्क। क्ले मास्क जो होता है वो हमारे जो ब्लैक हेड्स में से कचरा निकला है उसको जो है वो फिल कर देगा। आप चाहें तो मड मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशंस, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वो इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर फेसिट वालों का क्ले मास्क इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी जो है वो मास्क लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा बेहतर होता है। और जब हमारा मास्क बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो हम इसको रिमूव करते हैं। आप चाहें तो स्पंजेस की मदद से, चाहें तो वाइप्स की मदद से, या आप चाहें तो डायरेक्ट आप जो है फेस वॉश भी कर सकते हैं, और इससे जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटन लगेगी और आपके जो ओपन पोजेज है वो अंदर से बंद हो जाएंगे। ओके, अब जो है हम टोनर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे केयरवेल वालों का टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना रीज़नेबल है। 150 रुपए का मिलेगा आपको और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। हमने जो टोनर है वो कॉटन पे निकालना है और अपनी स्किन पर जो है हल्के हल्के से पूरी स्किन पे हम लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ वीडियो में लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आप कॉटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो डायरेक्टली जो है आप जो टोनर है उसको आप अपने हाथ पर ले सकते हैं। हाथ पर लेने के बाद अपनी स्किन पर टैप करके आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद है, स्किन पे जो ओपन पोजेस होते हैं उनको बिल्कुल श्रिंक कर देता है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है हम इस्तेमाल करेंगे सीरम। मैं यहाँ पे गोल्डन पर्ल वालों का ग्लो बूस्टिंग सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये सीरम जो होता है डार्क स्पॉट्स के लिए, हाई पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जो है ये टोनर इस्तेमाल करें, उसके बाद चेहरा ड्राई हो जाए तो ये जो सीरम है इसको अप्लाई करें। आप स्कार्स की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ऑल ओवर द फेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ओके जी, अब जो है मैं एक्नी के लिए बहुत ही बेहतरीन मास्क बताने जा रही हूँ। ये मास्क जो है दालचीनी का है और हनी का बना हुआ है। इक्वल अमाउंट में 1 स्पून आपने दालचीनी और 1 स्पून आपने हनी लेकर उसको मिक्स करके अपनी स्किन पे लगा देना है। अपने लिए कोई बेहतरीन सा जो आपकी स्किन कंडीशंस के मुताबिक फेस वॉश हो वो आपको इस्तेमाल करना है और आप रिजल्ट्स देखेंगे। आप ओपन पोजेस, एक्नी, स्कार्स, हाई पिगमेंटेशन के सारे मसाइल से निकल सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।